हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं एक नई व्लॉग लेके आई हूँ आप लोगों के सामने एंड पीसफुल एक मॉर्निंग के साथ शुरुआत कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। अच्छा लगता है, कितना नेचुरल है ना। ये एक फ्रूट है, इसे असमीज में ही लिखा बोलते हैं और बंगाली में हॉट तो की आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं। कमेंट करके बताइए ज़रा, किसको पता है कि वो क्या फ्रूट है। और यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं इसको। और मैं अभी मामा के घर पे हूँ, तो मामा के घर पे ऐसे बहुत ट्रेडिशनल टाइप से ये सब करते हैं, तो बहुत पसंद है मुझे। और अभी लेके जाने वाली हूँ आप लोगों को। चलिए, ये हम बैकयार्ड में जा रहे हैं और यहाँ पे एक फिशरी है जहाँ पे बहुत सारे मछलियाँ हैं। और इस तरफ गार्डन भी है, आप लोगों को मैं अच्छे से दिखाने वाली हूँ एवरीवेयर घूम के। अभी तो मॉर्निंग है तो अभी थोड़ा सा ही नज़ारा दिखा देती हूँ आप लोगों को। और दोपहर को फिर से मैं बनाऊँगी शायद वीडियो, तब अपलोड कर दूँगी। और यहाँ देख सकते हो कि बहुत ही सन धूप जब आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना बहुत सारे डक भी है, ये देखिए इन लोगों ने डक भी पाला है, ऐसे डोमेस्टिकेट किया है। और जो आगे है ना वो मैं हूँ, वो मेरा भाई है। मैं भी एक वीडियो बना रहा हूँ। और ये ऐसे डक को ऐसे कर रहे हैं। और अभी मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भाई भी मेरे साथ कर रहे हैं। तो चलिए घुमा देती हूँ आप लोगों को। और मेरे फेस में जो खुशी दिख रही है ना, पता है ये किस लिए है? ये इसलिए है क्योंकि आई लव नेचर, मुझे नेचर बहुत पसंद है। आप लोगों में से कितने को पसंद है नेचर बताइएगा ज़रूर। कि नीचे नीचे हम आ रहे हैं, ये देखो इसके ऊपर क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको, पम्पकिन नहीं, पम्पकिन नहीं, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। हम फिशरी के साइड पे हैं, उस तरफ भी फिशरी है, वो उन लोगों का है, उस साइड में जो घर है उन लोगों का है। और ये वाला फिशरी हमारा है, हमारा नहीं है ये, मैं मेरी मामा के घर में आई हुई हूँ। और बचपन में ना यहाँ फिशरी के पार में खेलने आया करती थी, अब आ जाई हूँ बहुत दिन बाद फिशरी के पार में आई हूँ। और क्या बोलते हैं उसको, इसको फिशरी, चलते रहते हैं। रात को यहाँ पे फॉग्स भी आते हैं, देखा नहीं कभी भी, लेकिन साउंड सुनाई देती है कभी कभी। वो एक फिशरी और ये एक फिशरी इस तरफ, मतलब यहाँ ऐसा ही है कि मतलब फ्रंट में घर है और पीछे फिशरी होती है, फिर गार्डन होती है बैकयार्ड में, घर के बैकयार्ड में। हाँ, फिर भूख लग गई है इन सबको। हंसिनी हंसिनी ओ हंसिनी कहाँ उड़ चली। चलिए चलते रहते हैं। वो इतने दूर आ गए, बड़ा सा एक पेड़ है दिखाई दे रहा है। कहाँ जा रहे हो तुम, उस तरफ कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे सांप वाप तो नहीं है? नो नो नो, मुझे तो डर लग रहा है, सांप सांप तो होते ही है शायद। चलो चलते हैं। नहीं, यहाँ पे सांप नहीं है, चलो चलो ना।
ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी। और कितना दूर? मेरी भाई मुझे लेके जा रहे हैं उस तरफ तक। वहाँ जा सकते हैं क्या हम? वो बोल रहा है हम उस तरफ तक जाएंगे। ये दूसरे लोगों का फिशरी है। ओ गिर जाओगे। और फिशरी एंड होती है वहाँ पे। ये इतने दूर नहीं, मामा डांटेगा हम लोगों को। ऐसे इतने दूर आ गए? मैं आ गया हूँ। कहाँ जा रहे हो? उस तरफ मत जाओ। फिर यहाँ पे सांप वगैरह भी है शायद, मुझे तो डर लग रहा है सांप कहीं काट ना ले। उस रास्ते से आए हम और क्रॉस करके वो इस तरफ चला गया। ये मुझे भी जाने को बोल रहा है लेकिन आई डोंट थिंक मैं जाऊंगी। रुको गिर जाओगे तुम, मैं पकड़ती हूँ, रुको। हार करवा दिया इसको। चलो अब चलते हैं अंदर, घर चलते हैं। बहुत हो गया फिशरी में, गिर ना जाओ अभी फिशरी में ही। ऐसा लग रहा है छोटे मोटे ट्रैकिंग पे आई हूँ लेकिन ये बिल्कुल भी ट्रैकिंग नहीं है। ट्रैकिंग पे जाने का मुझे बहुत ही मन है फ्रेंड्स के साथ। और अरे मत करो मत करो। ये मेरा रियल फेस, मेरा भी एक चैनल है लॉगी हिंदुस्तान गेमर, मतलब हिंदुस्तान गेमर लॉगी आस्कर माइनक्राफ्ट के। अच्छा ओके। मैं जब छोटी थी बचपन में, मैंने इस पेड़ में, इस पेड़ के साइड में यहाँ पे खड़ी होके, मतलब उस तरफ खड़ी होके मैं और बहन ने एक फ़ोटो खिंचवाया था। वो रहे कहाँ? ओ पिताजी पापा जी वो रहे। फिर वहाँ पे हम फ़ोटो खिंचवाए थे। अरे यहाँ पे कुछ है, अरे सांप। क्या सांप? नहीं है, सांप नहीं है, वो सेमिलियन है। सेमिलियन है, सेमिलियन। चलो अरे सांप नहीं है, यहाँ सांप भी हो सकती है। चलो इस तरफ आ जाओ, चलो अच्छे जगह पे आओ। लग रहा है भागो। हाँ मुझे छोड़ के अब भाग जाओ, भागो, मुझे डर लग रहा है। लेके वही आया था, अब वो छोड़ के भाग रहा है। कोई नहीं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा। देखो मैं अच्छा आ यहाँ पे खड़ी होके मैं अच्छे से शूट कर सकती हूँ। तो मैं बता रही थी कि उस पेड़ के वहाँ पे हम फोटो खींच पाए थे, मैं और मेरी बहन। उसको मैं पकड़ के ऐसे फ़ोटो खींच रही थी लेकिन वो मतलब रो रही थी। वो बचपन में ना रोती थी सिर्फ, मतलब सिर्फ रोती रहती थी कि मैं मम्मी के पास जाऊंगी। पता नहीं मम्मी के पास क्या इतना मेरे साथ नहीं रहती थी। मैं ज़्यादा नहीं रोती थी लेकिन मेरी बहन बहुत रोती थी। ये वीडियो देख के मेरी बहन डांटेगी मुझे कि ये सब क्यों यूट्यूब में दे दिया। कोई बात नहीं, बच्चे रोते हैं। ठीक है तो अंदर तक चलते हैं। चलिए चलते हैं, और क्या दिखाओ इसमें। ट्रैकिंग पे जाने का बहुत मन है। ट्रैकिंग की बात कर रही थी, ट्रैकिंग पे जाने का बहुत मन है। और चलिए चलते हैं। और ये ही वो गार्डन घर के बैक में, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। कुछ कुछ फ्रूट्स के भी पेड़ हैं, मैं एग्जैक्टली नेम नहीं जानती लेकिन बहुत कुछ पेड़ है यहाँ पे। कोकोनट ट्री है और बहुत कुछ है, बेटल नट की ट्री है बहुत सारे, देन पान की भी ट्री है और जामुन ऑलिव वो रहे तुम्हारे ना मामा, ऑलिव की भी ट्री है और बहुत कुछ ट्री है यहाँ पे।
उस पार जाओ क्या? अब इस पार चलते हैं। चलते ही हैं घर जाके, क्या करूंगी, इस पार ही चलते हैं। अभी यह जो बनाना ट्रीज है इस तरफ, यहाँ पे बनाना ट्रीज है बहुत सारे, और इस तरफ भी फिशरी है। मैंने जो बताया ही, यहाँ पे हर फिशरी और गार्डन भी होते, गार्डन होते ही है। हमारे घर में भी है, मैं दिखाऊंगी कभी हो सके तो। अभी ये कैमरा मेरी गिर ना जाए पानी में, शूट करते करते मैंने सोचा कि सुबह को मैं वो करूँगी, शूट करूँगी, लेकिन इस तरफ से करती हूँ ना। धूप, सोचा था कि सुबह सुबह मैं वीडियो बनाऊँगी, सुबह सुबह मतलब जब वो होगा अच्छे से सनराइज़ होगा तब वीडियो बनाऊँगी सोचा था, लेकिन फिर सुबह सब काम करते करते बहुत टाइम हो जाता है, फिर धूप निकल ही जाती है तो नहीं होती वीडियो बनाना। तो अभी दोपहर को अभी भाई ने बोला कि चलो दीदी चलते हैं फिशरी के साइड में, तो मैंने सोचा हाँ ठीक है चलो अभी चलते हैं, अभी बना लेते हैं वीडियो। तो वही आप लोगों को बस थोड़ा सा दिखाना था। अच्छा लगता है कितना नेचुरल है ना, और नेचुरल के साथ साथ तो बहुत ही मतलब सुकून की जगह है, इतना पीस है ना यहाँ पे, जो मतलब अगर आप लोगों को मतलब पीस की बहुत ज़रूरत है, मुझे तो पीस बहुत ही ज़रूरी है, मुझे मतलब शांति किसी किसको ज़रूरी नहीं होती, सबको ज़रूरी होती है शांति की। तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे मुझे। धूप में रहने से आपका हेयर, हेयर में आपकी रेडनेस आ सकती है, और तो है ऑलरेडी ये आप फेस में रिफ्लेक्शन दिख रही है, वो सन पानी में सन का रिफ्लेक्शन पानी में गिरा और पानी का रिफ्लेक्शन मेरे फेस में आया। चलती चलिए अब बुला चलते हैं, चलो चलो चलते हैं चलते हैं, बहुत हो गया। हम पहले यहाँ पे मछली पकड़ते थे जब मैं छोटी थी, अब भी पकड़ती हूँ, लेकिन अब ज़्यादा आना नहीं होता है इस तरफ फिशरी के पार में, झुक झुक के आना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि वो बनाना ट्रीज छोटे हैं ना इसलिए। मेरी ये वीडियो बनाने की मकसद ये थी कि नेचर कितनी खूबसूरत है, आप लोग भी अपनी आंखों से देख सकते हो, और नेचर ऐसे खूबसूरत बनाने के लिए हमको ट्रीज़ उगाने पड़ते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ट्रीज़ उगाने की कोशिश कीजिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो साइड में जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो टिल देन टेक केयर, बाय।